स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस क्लास विथ नेहा मैम। टुडे आवर टॉपिक इज फ्लोट्स, सिंक्स और मिक्सर्स मटेरियल। तो आज हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वाटर में फ्लोट्स करती हैं, सिंक्स और मिक्सर्स भी होती हैं। वैसे सब्सटेंस के बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं और उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, आप सभी देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तीन ग्लासेस ली हैं और तीनों में मैंने वाटर डाला हुआ है, ठीक है। और यहाँ मैंने लिया है कुछ कंक्रीट, शुगर, सॉल्ट एंड टी बीन्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कुछ पेपर के टुकड़े लिए हैं, इसे मैं अभी अपने ग्लास के वाटर में मैं इसे कुछ पेपर के टुकड़ों को डालती हूँ और देखते हैं कि होता क्या है। अभी मैंने यहाँ देखा कि ये पेपर के जो टुकड़े हैं वो वाटर के ऊपर फ्लोट्स कर रहे हैं, यानी कि पानी के ऊपर तैर रहे हैं, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि मैंने जब जैसे ही पेपर के टुकड़े को वाटर में डाला तो वो उसमें मिक्स नहीं हुआ, उसमें फ्लोट्स कर रहा है। तो हमने समझा कि पेपर का टुकड़ा वाटर में फ्लोट्स करता है। ऐसे ही अगर हम लोग बैलून, प्लास्टिक्स, इन सभी मटेरियल्स को अगर वाटर में डालते हैं और देखते हैं तो पता चलता है कि ये सभी चीज़ें वाटर में मिक्स नहीं होती हैं, ये सभी वाटर के ऊपर फ्लोट्स करते हैं। तो हम समझते हैं कि ऐसे चीज़ें जो वाटर में फ्लोट्स करती हैं वो क्या कारण है कि ये सभी चीज़ें वाटर के ऊपर फ्लोट्स करती हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग समझेंगे। द सब्सटेंस हैव लेस डेंसिटी देन ऑयल और वाटर कैन फ्लोट्स, यानी कि वैसे चीज़ें जिनका डेंसिटी वाटर और ऑयल से कम होता है वैसी चीज़ें वाटर के ऊपर या फिर ऑयल के ऊपर फ्लोट्स करती हैं, ठीक है। तो हमने समझा कि फ्लोट्स करती हैं वैसे वैसे कौन सी चीज़ें हैं जो वाटर के ऊपर फ्लोट्स करती हैं। पेपर, प्लास्टिक्स, बैलून, ये सभी चीज़ें वाटर के ऊपर फ्लोट्स करती हैं। नेक्स्ट हम लोग दूसरा हम लोग एक्टिविटी करते हैं। हमारे पास कुछ कंक्रीट है, ठीक है, कुछ कंक्रीट के टुकड़े हैं, इसे मैं वाटर में डालती हूँ और देखती हूँ कि क्या होता है। अभी मैंने कुछ कंक्रीट वाटर में डाला, मैंने यहाँ देखा कि जो मैंने कंक्रीट वाटर में डाला था वो कंक्रीट क्या हुआ, सीधे पानी के नीचे चले गए, ये फ्लोट्स नहीं किए, ये सीधे वाटर के नीचे यानी कि सीधे इसके तल में जाकर के बैठ गए। तो ये सभी चीज़ें वाटर के ऊपर फ्लोट्स नहीं करती हैं। अब हम सोचेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वाटर में फ्लोट्स नहीं करती हैं, वो सीधे या तो सिंक हो जाती हैं या फिर मिक्स हो जाती हैं। तो हमने देखा कि कंक्रीट है। इसी प्रकार से हम बहुत सारी चीज़ों को वाटर में डालेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें फ्लोट्स करती हैं और कौन कौन सी चीज़ें वाटर में सिंक हो जाती हैं। जैसे अभी मैंने ये चॉक लिया है, ठीक है, इस चॉक को मैं वाटर में डालती हूँ। मैंने देखा कि चॉक भी जो है वो वाटर के नीचे चला गया, ये फ्लोट्स नहीं करता है। तो हम लोग समझते हैं कि वैसी चीज़ें जिनका डेंसिटी वाटर से कम होता है, वैसी चीज़ें जिनका डेंसिटी वाटर से कम होता है वे पानी के ऊपर फ्लोट्स करती हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं उसमें क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग करते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल है और मेरे पास ये ग्लास है उसमें वाटर है। मैं इस मस्टर्ड ऑयल को इसमें डालती हूँ और देखती हूँ कि क्या होता है। मैंने ये ऑयल ले लिया और इसमें वाटर में डाला। अरे ये क्या हुआ, ये तो वाटर के ऊपर फ्लोट्स कर रहा है, ये तो लिक्विड है, ये तो मस्टर्ड एक लिक्विड है और मैंने लिक्विड को ही लिक्विड में डाला, वाटर भी लिक्विड है और मस्टर्ड ऑयल भी लिक्विड है। तो मैंने जब एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डाला तो मैंने यहाँ पे देखा ये वाटर के ऊपर फ्लोट्स कर रहा है,
ये वाटर में मिक्स नहीं हो रहा, तो ये भी एक अलग एक्टिविटी है। तो हम लोग देखते हैं कि जितने सारे ऑयल हैं हम वो सभी वाटर में मिक्स नहीं होते हैं। और अगर हम लोग दूसरा एक्टिविटी करें, अगर हम लोग वाटर में मिल्क डालें तो हम लोग क्या देखेंगे, वाटर में अगर हम लोग मिल्क डालते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि वाटर में मिल्क पूरी तरह से मिक्स हो गया है। ठीक है, अगर हम लोग वाटर में मिल्क डालते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि वाटर में मिल्क पूरी तरह से मिक्स हो गया है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग इंक लेते हैं और इंक को अगर हम लोग वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि वाटर में इंक भी मिक्स हो गया है, पूरी तरह से मिक्स हो जाता है इंक। लेकिन वहीं पर ऑयल मिक्स नहीं होता। तो हम लोग नेक्स्ट समझते हैं मिक्सिबल लिक्विड एंड इमिक्सिबल लिक्विड, यानी कि वैसा लिक्विड जो वाटर में मिक्स हो जाता है, वैसा लिक्विड जो वाटर में मिक्स हो जाता है उसे हम लोग मिक्सिबल लिक्विड कहते हैं, लाइक मिल्क एंड इंक। ठीक है, मिल्क और इंक को अगर हम लोग वाटर में मिलाते हैं तो वे वाटर में मिक्स हो जाते हैं, तो उसे हम लोग मिक्सिबल लिक्विड कहते हैं। ठीक है, और ऑयल जो है मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सभी जो ऑयल है अगर हम लोग उसे वाटर में डालते हैं तो वो मिक्स नहीं होता। तो वैसा लिक्विड जो वाटर में मिक्स नहीं होता, ठीक है, द लिक्विड विच डू नॉट मिक्स विथ वाटर आर कॉल्ड इमिक्सिबल लिक्विड। द लिक्विड विच डू नॉट मिक्स विथ वाटर आर इमिक्सिबल लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, etc. हम लोग अभी एक्टिविटी में क्या समझें, हम लोगों ने अभी एक्टिविटी में फ्लॉट्स, सिंक्स, मिक्सेस, सब्सटेंस के बारे में समझे और मिक्सिबल लिक्विड और इमिक्सिबल लिक्विड के बारे में अभी हम लोगों ने समझा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए हम लोग फिर एक्टिविटी करेंगे और समझेंगे कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं और क्या होता है सॉल्यूशन। अभी हम लोग साल्ट लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने ये साल्ट लिया और इसे हम लोगों ने वाटर में डाला और वाटर को हम लोग इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इस ग्लास को हटा देते हैं, दूसरे ग्लास में करते हैं। ठीक है, ये ग्लास है, ये ग्लास में साफ पानी है, तो इसमें हम लोग सॉल्ट डालते हैं और सॉल्ट को हम लोग मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि सॉल्ट एक सब्सटेंस है जिसे हम लोगों ने वाटर में लिक्विड में मिक्स किया और ये मिक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं, यहाँ हम लोगों ने चाय की कुछ पत्तियाँ ली हुई हैं और इसे हम लोगों ने वाटर में डाला और ये मिक्स किया। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि चाय की पत्तियाँ वाटर में मिक्स नहीं होती हैं, ये गायब नहीं होती हैं, जबकि यहाँ पर सॉल्ट गायब है। वाटर में मैंने सॉल्ट डाला तो सॉल्ट गायब है, बट यहाँ पर ये चाय की पत्ती गायब नहीं हुई, वाटर में मिक्स है बट गायब नहीं हुई, पूरी तरह से घुली नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमने सॉल्ट को वाटर में मिक्स किया तो ये सॉल्ट वाटर में पूरी तरह से घुल चुका है, पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग शुगर लेते हैं, शुगर को भी हम लोग वाटर में डालते हैं और इसे हम लोग मिक्स करते हैं, थोड़ी देर इसे चलाने के बाद हम लोग देखते हैं कि शुगर भी वाटर में पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। तो हम लोग देखते हैं कि सॉल्ट और शुगर ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में मिक्स हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है,
तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग सॉल्यूट कहेंगे। शुगर और सॉल्ट को हम लोग सॉल्यूट कहेंगे। सॉल्यूट सब्सटेंस, वैसा सब्सटेंस यानी कि द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन ए लिक्विड, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर इज कॉल्ड सॉल्यूट, द सब्सटेंस वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है, सॉरी सॉल्ट एंड शुगर द सब्सटेंस विच डिसॉल्व्स इन वाटर द सब्सटेंस। तो हम लोग इस सॉल्ट और शुगर को सॉल्यूट कहेंगे, ठीक है, यानी कि ये दोनों चीज़ें वाटर में घुल जाती हैं, यानी कि वैसी चीज़ें जो वाटर में घुल जाती हैं उसे हम लोग सॉल्यूट कहेंगे। और इस घोल को हम लोग क्या कहेंगे, वाटर और सॉल्ट जब मिक्स हुआ तो इस घोल को हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। वाटर में जब कोई सब्सटेंस डिसॉल्व होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। और हमने देखा कि वाटर में ही सॉल्ट और शुगर डिसॉल्व हुए हैं, तो वाटर क्या हुआ, वाटर सॉल्वेंट हुआ, ठीक है, वाटर सॉल्वेंट हुआ जिसमें कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व हो सकता है। एक बार हम लोग और समझेंगे इस चीज़ को। वैसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट कहलाता है। तो कैसा लगा आपको यह साइंस का क्लास, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कंटिन्यूस वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।